वैसे एक बात तो सच है कि हमारे देश में क्रिकेट के दीवानों की कमी नहीं है। बिल्कुल कमी नहीं है, क्रिकेट को पूछते हैं लोग। और आईफोन के दीवानों की भी कमी नहीं है, ये पता नहीं, ये क्रेज नहीं मुझे समझ में आता। आई डोंट नो, आईफोन वालों को ही पता होगा। आईफोन भाई, ये तीन बैठी हैं आईफोन वाली, भाई आप ही बता दो क्या खासियत है। क्या होता है ना, किसी भी बड़े ब्रांड को लेकर के कहते हैं आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप जानेंगे, तो जिन्होंने नहीं किया है तो वो नहीं जानेंगे इस चीज को। नहीं, वैसे मैं कर चुकी हूँ, मैं भी कर चुकी हूँ, कुछ खास मजा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात इस बार की जो लोगों को दीवाना बना रही है, वैसे जब भी लॉन्च होता है एप्पल का कोई भी फोन, ऐसी भीड़, लंबी लंबी कतारें लगती है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस बार की सबसे खासियत क्या है बताइए? कि बहुत कम दामों पे आईफोन मिल रहा है, क्योंकि हमने सेल 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 वो बोल रहे थे, दे आर गेटिंग डिस्काउंट। उससे भी बड़ी बात, हाँ क्या, पहली बार मेड इन इंडिया लिखा दिखेगा आपको आईफोन में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसीलिए ये भीड़ है, ये क्रेज है, शायद दाम भी थोड़े से कम है, कॉम्पिटिटिव। आप देखिए ना, पिछले बार जब एप्पल का आईफोन 15 आया था उसके कंपैरिजन में अगर आप आईफोन 16 की बात करें तो आपको 79,000 में मिल रहा है, आपको 90,000 में आईफोन प्रो मिल रहा है, मतलब प्लस मिल रहा है, तो रेट कितने कॉम्पिटेटिव। आप पहले, लेकिन कुछ लोगों में सिर्फ यही क्रेज होता है कि कोई भी नया मॉडल आ रहा है आईफोन का तो उन्होंने, पर अब आप बताइए, देखिए मैंने 15 लिया हुआ है, ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि 16 इससे कम प्राइसेस में आया है, तो बताइए मुझे फिर ले लेना चाहिए ना, ले लेना चाहिए। देखिए फोटो में सच बताऊं, जो इनके जो नए नए मॉडल्स आते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस ये नहीं लाते हैं, मतलब 11 से 16 में डिफरेंस होगा, लेकिन 15 से 16 में इतना डिफरेंस। पहले लोग लाइनों में लगे, वो क्या सोच रहा है आईफोन 16 को लेकर, कितनी दीवानगी उनमें है। आईफोन 16 के दीवानों का इंतजार खत्म हुआ, इसको खरीदने की चाहत आपकी अब भारत में भी पूरी हो रही है। दरअसल आईफोन 16 के सभी मॉडल्स की बिक्री आज से देश में शुरू हो गई है, ऐसे में दिल्ली हो या मुंबई, सुबह से ही एप्पल स्टोर पर उमड़ी ये वो भीड़ है जो आईफोन 16 को खरीदने की चाहत लिए पहुंच रही है। आज सुबह सवेरे 4 बजे दिल्ली में साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल का ये नजारा है, जहां लोग आधी रात से ही स्टोर के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। यहां आईफोन लवर्स के जुटने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो कारवां बढ़ता ही चला गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस इस आईफोन को अपना बनाने के लिए यहां हर कोई बेताब दिखा। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और ये अभी से नहीं सुबह 4 बजे से लोग खड़े हुए हैं। अभी लोगों के डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं और दे आर वेरी एक्साइटेड कि अब कैसे भी करके उनको बस जल्दी से नया आईफोन मिल जाए। उधर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आईफोन 16 खरीदने के लिए मुंबई करों के साथ बाहरी राज्यों से आए लोग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां भी सभी को उनके फेवरेट आईफोन 16 को खरीदने के लिए घंटों का इंतजार, आखिरकार चेहरे पर स्माइल गुड वाली फील दे रहा है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं अलग अलग शहरों से, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मुंबई के लोग हैं, अहमदाबाद के लोग हैं, सूरत के लोग हैं, बहुत जगहों से, बिहार तक से लोग आए हुए हैं ताकि वो नए आईफोन खरीद सके। आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, लोग यहाँ पर प्री बुकिंग के साथ भी आए हुए हैं। ये प्री बुकिंग की लाइन है जो अब काफी छोटी होगी, क्योंकि लोग अपने फोन खरीद चुके हैं, 8-8, 10-10 के ग्रुप में लोग आए हैं ताकि वो नए आईफोन खरीद सके। ये यहाँ पे जनरल लोग खड़े हैं जिनके पास बुकिंग नहीं है, लेकिन वो आए हैं स्टोर में ताकि वो सुबह से लाइन में लग सकें और अपने नए आईफोन्स को खरीद सकें। सिर्फ आईफोन्स नहीं, यहाँ पर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है लोगों के लिए ताकि वो नए डिवाइसेस खरीद सकें। एप्पल के एयरपॉड्स मैक्स आए हैं, एप्पल वॉच सीरीज 10, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, ये सारे नए डिवाइसेस आए हैं जो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। आईफोन को खरीदने आए ग्राहक जितने बाहर दिखाई दे रहे हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर उन आईफोन लवर्स की स्टोर में दिख रही है जो आईफोन 16 की इन नई रेंज को एक्सपीरियंस कर रही है। लाइन यहाँ पर भी कम नहीं है, लोग यहाँ पर नए डिवाइसेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास आईफोन 16 प्रो एंड प्रो मैक्स, जो लोग देखिए एक्साइटेड हैं, वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं नए डिवाइसेस को, लोग खरीद चुके हैं काफी सारे नए डिवाइसेस अपने लिए। यहाँ पर है हमारे पास आईफोन 16 एंड 16 प्लस उनके अतरंगी रंगों में, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर लोगों के बीच ताकि वो जस्ट सो दैट वो नए आईफोन खरीद सके। हर किसी की यहाँ ख्वाहिश ऐसी कि बस कैसे न कैसे इस चमचमाते आईफोन को अपना लिया जाए। जाहिर है एप्पल की नई नई रेंज के तलबगारों के लिए ये किसी गुड न्यूज से कम नहीं। देश भर के एप्पल स्टोर्स पर दिख रही ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें उस खुशी यानी गुड न्यूज की तस्दीक भी कर रही है। मॉल के आसपास ही घूम रहा था, बहुत देर से थक गया हूँ,
पूरी रात लाइन में लगा हूँ, यहाँ से वहाँ मेरे को भगाए, लेफ्ट राइट बहुत भगा एप्पल वालों ने, और कोई कोई एप्पल वाले तो खींच खींच के पीछे भी निकाले, मगर ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी बहुत खुशी हो रही है कि 16 प्रो मैक्स हमारे को मिल गया, हम लक्की है। जो नया कैमरा बटन आ रहा है वो है, स्क्रीन साइज उन्होंने बड़ी की है, फास्टर वायरलेस चार्जिंग है, एप्पल इंटेलिजेंस आएगा iOS 18.1 के साथ, वो सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। नया मोबाइल लॉन्च हुआ, उसके फीचर्स, कैमरा और उसके सिस्टम और उसकी सेफ्टी वो बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं ये परचेस कर रहा हूँ। क्या करें सर, एप्पल के दीवाने हैं तो एप्पल के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं, हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ इजीली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की जरूरत नहीं है ना। बता दें कि कंपनी ने हाल ही में 9 सितंबर को अपने साल के सबसे बड़े इवेंट में AI फीचर्स के साथ आईफोन 16 सीरीज लॉन्च की थी, जिसके तहत 4 नए आईफोन इंट्रोड्यूस किए गए। जाहिर है आईफोन 16 खरीदने का इंतजार जिन लोगों का पूरा हुआ उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन अगर अब तक आप आईफोन 16 लाइनअप को बुक नहीं करा पाए थे तो जल्द ही ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी इन्हें आप खरीद सकते हैं। दिल्ली से प्रियंका सिंह और मुंबई से लक्ष्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये रिपोर्ट जब आप देख रहे थे तो हमारी सबकी यही कॉन्वर्सेशन चल रही थी, एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन की ये लड़ाई ना, ये कॉन्वर्सेशन कभी रुकने वाली नहीं है, ये चलती ही रहेगी। और जिसने 16 खरीदना, लेके काम खत्म करो, हमें दिखाओ कि क्या खास है उसमें, ठीक है, फोटो खींचो और इंस्टा पे पोस्ट कर देंगे। देखिए तकनीक कैसे आस्था की दुनिया बदल रही है, अब इसकी एक और तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में इस बार के भीतर भी अभूतपूर्व सुरक्षा और निगरानी रहेगी। बिल्कुल, पहली बार अंडर वाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम से जल के अंदर निगरानी की जाएगी। पहली बार वाटर स्कूटर ब्रिगेड भी तैनात होगी, जो पानी में किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में क्विक रिएक्शन के लिए मौजूद रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी है। यहाँ एक बार फिर से उमड़ेगा आस्था का सैलाब। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम तट पर बिखरेगा आस्था आध्यात्म का हर रंग। पूरे 45 दिनों तक चलेगा संस्कृति और इतिहास का उत्सव, और इस उत्सव में श्रद्धालुओं को कोई विघ्न कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर तरह के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। तमाम तैयारियों के साथ साथ इस बार महाकुंभ स्नान के लिए हाईटेक सुरक्षा का भी इंतजाम है। मतलब प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वालों के लिए पानी में भी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहली बार अंडरवाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम से जल के अंदर निगरानी की जाएगी। पहली बार वाटर स्कूटर ब्रिगेड भी लगाई जाएगी, जो पानी में किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में क्विक रिएक्शन के लिए मौजूद रहेगी। इसके लिए 25 वाटर स्कूटर होगा, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंच सकेगा। वहीं घाटों के विस्तार को देखते हुए 8 किलोमीटर डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की जाएगी। इसके अलावा कुंभ मेला क्षेत्र में 2 फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इन्हें संगम और VIP घाट में बनाया जाएगा, जहां फ्लोटिंग जेटी पर प्राथमिक उपचार के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में निपटने के लिए सभी आवश्यक उपकरण होंगे। लोगों की मदद के लिए PSC को रेस्क्यू बोट्स और एनाकोंडा बोट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ मेले में इस बार दुनिया के 75 देशों से करीब 25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि लोग मेले का भरपूर आनंद ले सके और अच्छी यादें लेकर जाएं। लिहाजा बुनियादी सुविधाओं के साथ ही यहां उत्सव का रंग भी गाढ़ा करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए और अब बात द्वापर युग में महाभारत के सबसे बड़े दानवीर खाटू वाले श्याम बाबा की कर लेते हैं। खाटू धाम में महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक विराजमान हैं। देश विदेश में बाबा के भक्त हैं, जो कि हर साल अपने ईष्ट के दर्शन के लिए खाटू धाम आते हैं। भक्तों के इस पवित्र यात्रा को सुगम बनाने के लिए ही एक शानदार कदम उठाया गया है। और गुड न्यूज ये है कि खाटू श्याम में रेलवे लाइन बिछाने का प्रपोजल बनकर तैयार है, और अब बहुत जल्द खाटू श्याम महाराज के धाम में भी भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा, जिससे भक्तों को खाटू श्याम आने में अधिक सुविधा मिलेगी।
हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सीकर जिले में खाटू श्याम जी का ये पावन धाम मौजूद है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा के चरणों में शीश झुकाने आते हैं। देश विदेश में खाटू श्याम महाराज की प्रसिद्धि है और अब खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। भक्तों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मार्च 2024 में रेलवे ने रिंगस से खाटू के लिए जिस रेलवे लाइन का काम स्वीकृत किया था उसका प्रपोजल बनकर तैयार हो चुका है। रिंगस से खाटू तक 18 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का डिजाइन और डीपीआर तैयार हो चुका है। इस रेल मार्ग पर करीब 254 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मार्ग पर 21 रोड अंडरब्रिज बनाए जाएंगे और 8 माइनर ब्रिज होंगे। पूरी रेलवे लाइन पर कहीं भी फाटक क्रॉसिंग नहीं होगा और रेलवे लाइन को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। खाटू में रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा जिसे खाटू मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। स्टेशन पर पार्किंग, पार्क और अन्य सभी सुविधाएं रहेंगी। मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्टेशन का निर्माण होगा। स्टेशन पर 3 रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस रेलवे लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भक्तों के लिए अब अपने खाटू श्याम जी पहुंचना और आसान हो जाएगा। मार्च 2026 में काम पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो जून 2026 में ट्रेनों का संचालन शुरू होने की संभावना है। अभी रिंगस तक 70 ट्रेनों का संचालन होता है। बाबा खाटू श्याम के दरबार की ये भव्य और दिव्य रौनक दूर दूर तक फैली है। मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन भर से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में इस रेलवे लाइन के निर्माण से भक्तों की संख्या में कई गुना इजाफा होगा। साथ ही देश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और अब आस्था, भक्ति, विश्वास और सेवा से जुड़ी एक अद्भुत तस्वीर आपको दिखाते हैं। महाकाल लोक पहुंची महामहिम राष्ट्रपति ने स्वच्छता का संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकाल मंदिर परिसर में बाबा के दर्शन भी किए। बिल्कुल, पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान सीएम और राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कोटी तीर्थ से महाकालेश्वर मंदिर के शिखर दर्शन भी किए। उन्होंने गर्भगृह में जाकर महाकाल का अभिषेक, पूजन और आरती की। इसके बाद नंदी मंडप में ध्यान भी लगाया। दर्शन पूजन के बाद उन्हें सीएम और राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह भी दिया। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति ने ईकार्ड के जरिए महालोक का भ्रमण किया और वहां स्थापित विभिन्न प्रतिमाओं को देखा और इसके निर्माण और वहां स्थापित शिल्प की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने श्री महाकाल लोक में पाषाण की मूर्तियों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों से मिलकर संवाद किया और उनके द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों को उत्कृष्ट बताया। उन्होंने शिल्पकारों को शॉल और श्रीफल भी भेंट किए। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में सम्मिलित होने पहुंची थी और इसी के तहत महाकाल मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान उन्होंने यहां श्रमदान कर देश को स्वच्छता संदेश दिया। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे जहां पर पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। मौसम अच्छा खासा सुहावना हो गया है लेकिन आज धूप निकल आई है और सुबह सुबह मुझे शगुफ्ता ने बताया कि अगर आप बाहर शूट पे जा रही हैं तो मत जाइए क्योंकि आपको तीखी धूप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना ये गुनगुनी सी धूप लग रही थी। मुझे तो नहीं लगी, मुझे तो चुपती जलती गर्मी लगी है बहुत ज्यादा फील करने का है। आप इंतजार कर रही है कि फिर से बारिश हो जाए? नहीं, मैं नहीं कर रही। हाँ, मुझे धूप ही चाहिए बट इतनी तीखी धूप नहीं चाहिए। जो सर्दियों में गुनगुनी सी धूप निकलती है वैसी चाहिए। पर मौसम का क्या चल रहा है, कभी तो गर्मी एकदम है, कभी ठंड भी लगती है, मतलब अलग अलग आएगा, सब आएगा। जितने दिन बारिश हो रही थी उस समय ठंड लग रही थी। हमने बात भी की थी ना कि कोई एसी नहीं चला रहा, कुछ नहीं चला रहे। चलिए आपको बताते हैं, गुरुवार 19 सितंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री दर्ज किया गया जिसने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ ही ऐसा लगा मानो सितंबर में ही सर्दी ने दस्तक दे दी हो।
आसमान में बादलों का डेरा, दिन भर कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बरसात। बीते कुछ दिन दिल्ली एनसीआर का हाल कुछ ऐसा ही था। सितंबर के तीसरे हफ्ते में ही बारिश ने सर्दी का एहसास करा दिया। आलम यह है कि गुरुवार को मौसम ने 15 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 19 सितंबर को दिल्ली के पालम में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 15 साल में पहली बार पारा इस हद तक गिरा था। सितंबर के महीने में लगातार बारिश और पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली और एनसीआर में ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंड आ गई है। ये ठंड आने की वजह ये रही कि लगातार तापमान सामान्य से नीचे रहा और रिकॉर्ड तो तब बन गया जब ये तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया। 20 डिग्री के आसपास ये तापमान शाम और रात के वक्त रहा, तो वहीं पर इस वक्त ये तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच दिल्ली और एनसीआर में है। थोड़ी धूप निकली हुई है लेकिन अभी भी आसमान में बादल है और हल्की सर्दी का एहसास सितंबर के महीने में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये ला नीना या एल नीनो इफेक्ट की वजह से बारिश भी हो रही है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। लोगों को ठंड का एहसास इस कदर हुआ कि रात में एसी तक बंद करना पड़ गया, पंखे की हवा में भी चादर ओढ़नी पड़ गई। सितंबर में दिसंबर वाली सर्दी का ये एहसास बताने के लिए काफी है कि ठंड इस बार जल्द ही दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में ये गिरावट जलवायु पैटर्न के बड़े बदलाव को दिखाती है। इससे पहले 23 सितंबर 1972 को पालम में सितंबर के महीने में सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। 23 सितंबर 1972 को तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं 24 सितंबर 1930 को सफदरजंग में पारा 16.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 2009 के बाद से सफदरजंग में सितंबर के लिए सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 29 सितंबर 2023 को न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में सितंबर का सबसे कम तापमान 28 सितंबर साल 2010 को 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और 15 साल बाद अब 19 सितंबर 2024 को 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 25 सितंबर से दिल्ली में बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। आमतौर पर हर साल 25 सितंबर तक दिल्ली में मॉनसून की विदाई हो जाती है लेकिन इस बार 10 से 15 दिनों की देरी हो सकती है और ये देरी ठंड के जल्द दस्तक देने का संकेत होगी। दिल्ली से अभिषेक आनंद और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए मौसम के बाद एक और अच्छी खबर की बात करते हैं। आज का दिन फिल्म प्रेमियों के लिए एक बेहतर और किफायती सौगात दे रहा है। आज है नेशनल सिनेमा डे, क्योंकि सिर्फ आज के लिए ही देश के तमाम सिनेमा हॉल्स में आपको 200 से 1000 रुपए वाली जो मूवी टिकट होती है ना, वो 99 रुपए में मिल रही है और इसका फायदा सिनेमा लवर्स भी उठा रहे हैं। दर्शकों के उत्साह की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले नेशनल सिनेमा डे की शुरुआत और उसको मनाने के पीछे की वजह क्या रही है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पहली बार 23 सितंबर 2022 को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया। दरअसल उस वक्त कोविड 19 महामारी से देश उभरा था, जिसके बाद सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से सिनेमा घर काफी लंबे समय तक बंद रहे जिससे कि दर्शकों और फिल्म उद्योग दोनों को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाने का उद्देश्य दर्शकों को बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का रोमांच फिर से अनुभव कराने का था, साथ ही सिनेमा उद्योग को भी एक नई दिशा देना था। आज राष्ट्रीय सिनेमा दिवस का तीसरा एडिशन है। इसके तहत देश भर में 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर सिर्फ 99 रुपए में लोग फिल्में देख रहे हैं, तो आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी पसंदीदा फिल्में देखने का ये बेहतरीन मौका ना चुके। हमें छुट्टी मिलेगी तो हम भी जाएंगे। आज जितने भी बड़े सिनेमाघर हैं, चाहे वो सिंगल प्लेक्स हो या मल्टीप्लेक्स हो, वहां पर फिल्में सिर्फ 99 रुपए में दिखाई जा रही है। इसके लिए कुछ लोगों ने प्री बुकिंग की हुई थी, कुछ लोग सीधा सिनेमाघर पहुंचे और सिनेमाघर पहुंचकर उन्होंने 99 रुपए में टिकट्स लिए हैं। तो कुछ लोग हैं इस वक्त जो मूवी देखने आए हैं। मुझे बताइए, एक बताइए कौन सी मूवी देख रहे हैं? स्त्री 2 देख रहे हैं हम आज। आज नेशनल सिनेमा डे है। मुझे लगता है अगर मैं ये बोलूं कि इंडियंस का सिनेमा को लेके कुछ अलग ही प्यार होता है तो ये बहुत गलत नहीं होगा। हम बचपन से लेकर बड़े तक बॉलीवुड की मूवीज ही देखकर बड़े हुए। अब जब नेशनल सिनेमा डे है और 99 रुपए में सिर्फ टिकट मिल रही है, हाउ इज द डील? अच्छा है?
इट्स वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली. जो हम देखते हैं ऑर्डिनरी तो तब होता है 250 रुपये की टिकट होती है 300 की, तो वो महंगी पड़ जाती है. और आज देखो आपकी मतलब हमने टिकट बुक करी ना तो बहुत सारी सीट मतलब मिली नहीं थी, बहुत मुश्किल से मिली सीट, क्योंकि 100 रुपये की है ना, तो सारे बंदे जा रहे हैं, मेरे दोस्त भी जाते हैं, ये भी जाता है डेली, जब मतलब वैसे जाते नहीं हम एक्चुअली, ये मूवी बहुत महंगी होती है, बहुत 250 रुपये की 300 रुपये की, तो ये सस्ती इसलिए आ गए. एक्साइटिंग है भाई, बहुत एक्साइटिंग, मजा आता है. चिल्ली ऑफर ऑब्वियसली वैसे 250-300 की होती है तो शायद हम कोई मूवी स्किप कर देंगे ना है कि महंगी है प्राइस ज्यादा है, बट 99 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं कोई भी, ऊपर से 3-8 मूवी का ये तो देखना बिल्कुल बनता है. आज के दिन के लिए काफी अच्छा ऑफर है. कौन सी मूवी देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 3-2. साल में एक बार मिलता है ये ऑफर, तो जब सिनेमा का वो होता है एनिवर्सरी होती है तभी मिलता है. आपको मूवीज देखना पसंद है? तो अमूमन देखते हैं या कभी कभी देखने आते हैं या हर फ्राइडे देखते हैं? देखते रहते हैं. फिल्मों के गाने, फिल्मों के डांस स्टेप, फिल्मों के डायलॉग्स हमारे दिल में ऐसे बसे होते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम सुबह से शाम तक उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं. और यही वजह है कि इसको देखते हुए अब नेशनल सिनेमा डे की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है और सिनेमा घरों में आज आपको लंबी लंबी लाइनें दिखेगी और सारे हॉल सारी बुकिंग पहले से ही खचाखच भरे हुए नजर आएंगे. वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ नीतू जागो, दिल्ली. तो देखिए दिल्ली के सिनेमा प्रेमियों का उत्साह तो आपने देख ही लिया, अब मुंबई में इस ऑफर को लेकर दर्शकों में कैसा रिस्पांस है ये भी आपको दिखाते हैं. अपनी मन पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं. मैं मौजूद हूं इस वक्त घाटकोपर इष्ट के आईनॉक्स थिएटर में, जहां तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से एक अच्छी खासी दर्शकों की भीड़ यहां पर जुटी हुई है. ऑनलाइन भी लोग टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन जब वहां हाउसफुल दिखाई दे रहा है तो इस तरह से टिकट काउंटर पर पहुंच जा रहे हैं. और यहां भी आकर के कई लोगों के हाथ मायूसी लग रही है, क्योंकि आज 99 रुपये की टिकट बिकने की वजह से सारा का सारा थिएटर जो है वो बुक है. खास बात यह है कि आज शुक्रवार भी है और भी दूसरी तमाम बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो रिलीज हुई है, उसे भी देखने के लिए हर बार ही हर हफ्ते ही दर्शक आते ही हैं, लेकिन आज 99 रुपये की मात्र टिकट मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी खुशियाले इस समय हर उस को मिली है जो मनोरंजन की दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है. आज जो है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस है और मैं देख पा रहा हूँ आप यहाँ टिकट लेने आए, टिकट मिली? कोशिश जारी है लेकिन मिल जाएगी, और अच्छा प्रबंध है थिएटर का और मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं. और मैं भी फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी कोशिश है कि हो जाएगा करके टिकट मिल जाए. आपने ट्राई किया? ऑनलाइन ट्राई किया लेकिन हो नहीं रहा, थोड़ा नेट की वजह से, इसलिए मैं टिकट काउंटर पे आ गया हूँ. 99 रुपये का टिकट ले लिया, हम लोग 10 जन है कॉलेज स्टूडेंट. कौन सी पिक्चर देखने आए हो? कौन सा पिक्चर? स्त्री मूवी. स्त्री मूवी? स्त्री टू. तो अपनी जेब में बस है ना, अपने बजट का मिल गया. 99 रुपीज, ओनली 99 रुपीज. तुम लोग भी आए आज देख के जाओ. दुश्मनों से रक्षा करने के साथ साथ सेना समाज के लिए कई काम भी करती है. शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर समाज को जागरूक करने में अहम भूमिका भी निभाती है. बिल्कुल, लद्दाख के करू में भी सेना का एक प्रयास चर्चा का विषय बना हुआ है. सेना ने यहां पर लोगों के मनोरंजन और नागरिकों को जागरूक करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है, जिससे करीब 10,500 लोगों को फायदा मिल रहा है. ये है कम्युनिटी रेडियो. इसे खबर देना चाहता हूँ. 89.6 मेगाहर्ट्ज़. मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो. लद्दाख के करू में सेना की मदद से ऑपरेशन सिद्धवाना के तहत एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है. दिस इज आरजे पद्मा, 89.6 रेडियो गावा. आप इस रेडियो स्टेशन का मकसद खास जानकारी के साथ मधुर संगीत और बॉलीवुड के गानों के जरिए सभी आयु वर्ग के लोगों को जोड़ना है. ये फेस्टिवल शुरू होने को जा रहा है. जी हाँ दोस्तों, तो आप सब जरूर विजिट कीजिए ये शो जो है वो प्रोग्राम. द एम ऑफ द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वाज टू पास ऑल द कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स, व्हाट आर द यूथ्स प्रॉब्लम्स एंड टू एड्रेस देम थ्रू द रेडियो एंड ऑल्सो टू एंटरटेन देम with the songs we play in the radio. इस रेडियो स्टेशन का नाम गावा है और यहाँ पर काम करने वालों का दावा है कि ऐसे रेडियो स्टेशन स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने को सहेजने और सुदृढ़ करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं.
जितने भी जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, विभाग है, उन विभाग में अलग अलग हमारे स्कीम्स है, जैसे हमारे फार्मर्स के लिए हो गए, किसानों के लिए हो गए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो गए, यूथ्स के लिए हो गए हैं, तो उन सब स्कीमों को हम रेडियो के थ्रू एक आवाज बनकर, लोगों का एक आवाज बनकर उनको प्रदान करते हैं और उसी स्कीम के बदौलत लोग इनसे अवेयर होकर उन स्कीमों का भरपूर फायदा उठाते हैं। लद्दाख के करू का ये कम्युनिटी रेडियो 10,500 लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये करीब 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सुना जाता है और इसके जरिए महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ के लोगों तक पहुँचाई जाती है। चलिए दोस्तों, लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते। देखिए, कहते हैं कि अपनी कमियों को ताकत बना लेने का हुनर ना सबको नहीं आता, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिव्यांग प्रोफेसर सैंक्रो स्पेशल बच्चों का हौसला कैसे बढ़ा रहे हैं वो दिखाएंगे आपको। और वो पिछले 31 सालों से स्पेशल बच्चों के लिए एक संस्था चला रहे हैं और स्पेशल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। ये बच्चे खास हैं, आम लोगों से थोड़े अलग। कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, लेकिन यहां जिंदगी गुलजार है। हंसते मुस्कुराते इन बच्चों की प्रेरणा और ताकत है डॉक्टर संगीता अग्रवाल, जिन्होंने इन्हें जीना सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है। खुद आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन सैकड़ों बच्चों के लिए उम्मीद के किरण है। डॉक्टर संगीता अग्रवाल बिहार विश्वविद्यालय की एकमात्र प्रोफेसर हैं, जो आंखों से देख नहीं सकती लेकिन ब्रेल लिपि के जरिए स्टूडेंट को फर्राटे से संस्कृत पढ़ाती हैं। आज वो कामयाब है, लेकिन हमेशा से चाहती कि अपने जैसों के लिए कुछ कर सके, सो करीब 31 साल पहले दिव्यांग बच्चों के लिए शुभम नाम से एक संस्था बनाई, ताकि उन्हें शिक्षा की रोशनी मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले। संकल्प यही था कि मैं भी जन्म से देख नहीं सकती हूँ और मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ कोई स्कूल नहीं था, तो ये समझिए 20 साल तक मुझे दिल्ली में रहकर क्लास 1 से PhD तक की पढ़ाई वहाँ रहकर पूरी करनी पड़ी। तो तभी से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार में अपने जन्म स्थान जहाँ मेरा है वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए, अपने जैसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर पाऊँ, ऐसी इच्छा थी। करीब 31 साल पहले साल 1993 में उन्होंने शुभम संस्था की स्थापना की थी, जिसमें आज करीब 80 स्पेशल बच्चे हैं, जो न सिर्फ किताबी ज्ञान पा रहे हैं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। कोई कंप्यूटर चला रहा है, तो कोई धड़ल्ले से इतिहास पढ़ रहा है, तो कुछ बच्चे गीत संगीत में डूबे हैं। जिंदगी यहाँ मुस्कुरा रही है, बच्चों की इसी मुस्कुराहट के लिए वो अपनी सारी तनख्वाह कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी नहीं की। ऐसा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो उनमें क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधा होने के कारण उनकी जो क्षमताएं हैं उनका विकास कराने में काफी धैर्य की आवश्यकता है। डॉक्टर संगीता अग्रवाल इस नेक पहल के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। अपनी कमियों को ही ताकत बना लेने का हुनर सबको नहीं आता, लेकिन जिनको आता है वो मिसाल बनते हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि नोएडा के एक टीचर ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो स्पेशल बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। खास बात यह है कि अर्चना खुद एक स्पेशल चाइल्ड की माँ है।
बिल्कुल, शिक्षा अर्चना नाम का ये एक ऐप जो लॉन्च हुआ है, अभी 2 ही महीने हुए हैं लेकिन 1000 से ज्यादा स्पेशल चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। दर्द और हालात बहुत कुछ सिखा जाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो मुश्किल हालात में भी कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। ये अर्चना पांडे है, पेशे से शिक्षिका, लेकिन इनकी पहचान इतनी भर नहीं है। ये कैसे स्पेशल बच्चे की माँ भी है, जिसकी प्रेरणा से इन्होंने स्पेशल बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए एक ऐप बना दिया है। दरअसल इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जो स्पेशल बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। इस ऐप का नाम है शिक्षा अर्चना ऐप। इनके मुताबिक ये ऐप स्पेशल बच्चों के इलाज से लेकर पढ़ाई लिखाई तक में काफी मददगार है। कोई भी पेरेंट जो स्पेशल चाइल्ड के मामले में बिल्कुल नए हैं, उन्हें इस ऐप पर A to Z सारी जानकारी, मसलन थेरेपी सेंटर कहाँ है, स्पेशल चाइल्ड से जुड़े इक्विपमेंट्स और सामान कहाँ मिलते हैं, जैसे छोटी बड़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इस ऐप से 5 राज्यों के और UP के 75 जिलों के शिक्षक, न्यूरोसर्जन, थेरेपिस्ट और काउंसलर भी जुड़े हैं, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी बेहतर ख्याल रखा जा सके। और सबसे जरूरी बात ये कि ये ऐप पूरी तरह से फ्री है। हमने वो सब चीजें लाने की कोशिश की है जो एक प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल नीड स्टूडेंट, एक स्पेशल नीड पर्सन को जरूरत होती है। यहाँ पर आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मिलते हैं, आपको यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिलता है, आपको यहाँ पर ओपन रिसोर्स सेंटर्स मिलते हैं, आपको यहाँ पर वो टीचर्स मिल जाएंगे, वो एजुकेशनिस्ट मिल जाएंगे, वो आपको काउंसलर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 1-to-1 थेरेपी मिल जाएगी। पर इससे भी अच्छी बात यह है कि आपको इस ऐप के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, आपको ये ऐप फ्री में मिलता है। कहते हैं जिस पर बीतती है वही समझता है दूसरों का दर्द। इस माँ ने भी समझा उन हजारों माओं का दर्द जिनके बच्चे दूसरे बच्चों से अलग हैं, कमजोर हैं, स्पेशल हैं, क्योंकि ये भी एक स्पेशल बच्चे की माँ है। इनका 16 साल का बेटा सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है, लेकिन इनके लिए उन बच्चों और माओं का दर्द समझना भर काफी नहीं था, लिहाजा अब एक ऐप के जरिए ये हजारों माओं और स्पेशल बच्चों की जिंदगी आसान बना रही है। महज 2 महीने हुए इस ऐप को लॉन्च हुए और 1000 से ज्यादा ऐसे पेरेंट्स इनके साथ जुड़ चुके हैं। इस ऐप पर 75 डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स, काउंसलर, थेरेपिस्ट और न्यूरोसर्जन जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ 5 स्टेट्स के भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही कि जो भी स्पेशल चाइल्ड है उसकी तो अच्छे से देखभाल हो ही जाए, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को भी अपने ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में और ज्यादा हिम्मत मिले। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। लकीरें खुद बना लो, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजारो। हंसते हुए ही हम जिंदगी की कई चुनौतियों को छोटा कर देते हैं। और जिंदगी में खुश रहने के तरीके बहुत हैं, इसलिए हर उस तरीके को आजमाओ जिससे खुशियों के रास्ते खुलते हैं। जाने कि अब बताइए, अगर गलत पासवर्ड डालकर मोबाइल नहीं खोला जा सकता तो गलत तरीके से जिंदगी जीने पर खुशियों के दरवाजे कैसे खोले जा सकते हैं भला? बिल्कुल, और मेरी तरफ से खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखिए, किसी और से नहीं। खुशियों से जुड़ी इन सारी बातों में एक छोटी सी लाइन और जोड़ देते हैं, और वो ये है कि छोटी सी जिंदगी मिली है तो हंसकर जी लिया जाए और चाय हमारे साथ पी लिया जाए। मंडे मिलेंगे चाय के साथ।